सो गाइज, ये रहा हमारा हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप, जहां पर TWC कल्चर में हमने यहाँ पर पहले पुदीना लगाया था, जिसको फिलहाल हमने एरोपोनिक टावर में ट्रांसफर कर दिया है। और बचा है यहाँ पर एक मिर्ची का पेड़, जहां पर ध्यान से देखने पर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ये छोटे छोटे मिर्ची आना स्टार्ट हो गया है अभी इस पर। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी खाली जगह है, यहाँ पर हम और मिर्ची का पेड़ लगा देंगे। इससे दो तरीका हो जाएगा, एक तो मिर्ची के पेड़ लग जाएंगे, और इस प्रकार से कैसे नेट पॉट पर परफेक्टली एक बढ़िया सा पॉट क्रिएट करना है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहले छत पर चलते हैं, वहां पर कुछ मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो उनको इस प्रकार से नेट पॉट पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होता है नेट पॉट, जहां पर हम ये पौधे लगाते हैं। लेकिन सबको लगता है कि इसमें बस कोकोपीट भर के कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर इस प्रकार के, अगर सिर्फ कोकोपीट लगाओगे तो ये देखिए पानी में जब ये डूबा रहता है तो यहाँ नीचे से कोकोपीट सारा बह जाता है और पानी में मिल जाता है। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए पानी के अंदर कोकोपीट तैर रहा है, कैसे काला काला दिख रहा है। तो कुछ समय बाद ये जो कोकोपीट है वो निकल जाता है। तो तब प्लांट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर इस प्रकार के क्ले पेबल वगैरह यूज किया जाता है, या फिर फ्लाई ऐश, ये सब यूज किया जाता है, जिससे ये प्लांट यहाँ पर स्ट्रांग होके बना रहे। तो ये होता है नेट पॉट, जहां पर ऐसे नेट्स जैसे बना होता है। ये तो एक्चुअली कप जैसे होते हैं, जहां पर ऐसे नेट बनाए गए हैं ताकि यहाँ से रूट्स बाहर निकल सके और सही से ग्रो हो सके। इसके जगह पर आप प्लास्टिक कप भी जो आता है ना चाय पीने के लिए, वो भी यूज कर सकते हो, पर फिलहाल मेरे पास ये है। तब चलिए यहाँ पर एक परफेक्ट पॉट तैयार करते हैं। तो इस नेट पॉट को फिल करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है, एक होता है हाइड्रोटोन और एक होता है कोकोपीट। तो हाइड्रोटोन दो टाइप के होते हैं, जैसे ये वाला क्ले पेबल होता है और ये फ्लाई ऐश। तो हम दोनों को ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर कुछ क्ले पेबल्स डाला जाएगा ये इस तरह से, और उसके ऊपर हम एक टिश्यू पेपर इसके चारों तरफ लगा देंगे, जो कुछ इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें हम कोकोपीट भरेंगे। तो ये रहा कोकोपीट, पहले इसमें एक चम्मच ही कोकोपीट भरेंगे, फिर इसको ऊपर हम एक लेयर ये फ्लाई ऐश का दे देंगे। जो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर हम एक और लेयर कोकोपीट डाल देंगे, फिर उसके ऊपर फिर एक और लेयर फ्लाई ऐश का। फिर इसके ऊपर एक और लेयर कोकोपीट। तो इस तरह से हमने एक सीडलिंग तैयार किया हुआ है, जहां पर हम यहाँ बीच में सीड्स डालने के बाद और एक लेयर कोकोपीट का डाल देंगे, तो उसके बाद ये बढ़िया ग्रो करने के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने पहले मिर्ची के सीड्स डाले थे, तो ये पौधे निकल कर आए हुए हैं और बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पर। तो इसी में से हम अभी दो पौधे ले जाएंगे वहां पर लगाने के लिए। तो रूट्स के साथ ही हमें इसको ले जाना है, और सबसे पहले यहाँ से हम मिट्टी साफ कर लेंगे, इसके बाद हम वहां पर लगाएंगे। तो क्या करना है जब हमें पौधे लगाने होते हैं, ये देखिए हमने रूट्स के साथ ही इसको निकाला है, और ये रहा इसमें भी रूट्स है लेकिन इसमें थोड़े छोटे रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमें ये पौधा यहाँ नीचे लगाना है और ट्राई करना है कि इन होल्स में से रूट्स निकल कर बाहर की तरफ आ जाए, इस प्रकार से। जैसे ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, कई जगह से ऐसे निकलेगा। तो अब यहाँ पर हम ये हाइड्रोटोन्स जो है क्ले पेबल, पहले इसको हम नीचे ये पार्ट्स में डाल देंगे और रूट्स को ट्राई करेंगे कि जैसे मिडिल में रहेगा तो उतना बढ़िया रहेगा। तो इसलिए ये ऐसे करके ये आ गया बढ़िया मिडिल में। तो पहले ये क्ले पेबल्स आ गए, और इसके ऊपर
एक लेयर हम कोकोपीट का दे देंगे, और उसके ऊपर हम ये फ्लाई ऐश का जो लेयर है इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 सैपलिंग्स रेडी किया है, ये दोनों हो गए मिर्ची के और एक हमने कैप्सिकम का लगाया है। तो अभी हम इनको थोड़ा सा पानी अभी यहाँ पर स्प्रे कर देंगे, इसके बाद नीचे ले जाकर अपने हाइड्रोपोनिक सेटअप पे इसको बैठा देंगे। तो अभी ये रहे हमारे सैपलिंग्स, और इसको बस इन जो स्लॉट्स हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ऐसे रख देना है। थोड़ा घुमा देते हैं, और ये आ गया कैप्सिकम और ये आ गया एक और मिर्च का पेड़। तो फिलहाल यहाँ पर ये एक बड़ा मिर्ची का पेड़, ये एक दो मिर्ची का पेड़, ये एक कैप्सिकम का पेड़, और बाकी यहाँ पर ये मटर का पेड़ ग्रो हो रहा है धीरे धीरे। तो अब तक करीब 7 दिन हो चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि नए पत्ते बाहर आ गए हैं और इसमें भी नए पत्ते ग्रो कर रहे हैं। नीचे अगर देखा जाए तो इसके रूट्स थोड़े थोड़े अभी डेवलप हुए हैं, लेकिन ये वाला जो पेड़ है इसमें काफ़ी बढ़िया से रूट डेवलप हो गया है। और ये देखिए वो पुराना वाला मिर्ची का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें फूल भी आने लगे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सही लगा हो तो लाइक करिए, और ये नेट पॉट कैसे बनाना हो आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप ग्रोइंग ग्रीन्स।